एक सामान्य नियम है कि जो लोग बाहर के आते हैं, चाहे वो प्रभारी हो, संयोजक हो, सह प्रभारी हो, वो मतदान के पहले पहले अपना जगह छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पर प्रभारी कालूलाल जी गुजर थे, सह प्रभारी देवीशंकर जी भूतड़ा थे, पर वो दोनों लोग मतदान के पहले एक दिन पहले जा चुके थे। मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि जो लोग सरकार में मंत्री रहे और आज जो जिला निर्वाचन अधिकारी और पूरी जो पर्यवेक्षकों की फौज यहाँ लगी हुई थी, किसी को नजर नहीं आया कि कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार की बीना कागजी, जो रिजू झुंझुनूवाला के की सास है, वो कल पूरे दिन अजमेर लोकसभा क्षेत्र में घूम रही थी। मेरे पास उनके फोटो है, वो नसीराबाद में जहाँ भोजन किया, चवनी लाल के यहाँ पर जा गई और वो कचोरा हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रही थी, वो सब मेरे पास है। ये जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, ये साबित करता है कि यहाँ का प्रशासन कांग्रेस के हाथों में खेल रहा था। और मेरे पास वो भी फोटो है, मेरे पास बूथ नंबर भी है कि जहाँ नसीराबाद की सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में जहाँ पर BLO की टेबल लगती है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठकर पर्चियाँ बांट रहे थे। ये सब कुछ पर्यवेक्षकों को नहीं दिखाई दिया, सेक्टर ऑफिसर्स को दिखाई नहीं दिया, पर इन सब के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। और कल का जो पोलिंग हुआ है वो आंकड़ा 2 लाख से ऊपर जाएगा, जो आज तक की सबसे बड़ी जीत होगी। और इन सब के बावजूद भी, क्योंकि जनता के मन में ये बात बैठ गई थी कि इस देश में वो सब जब होगा, जब मोदी होगा तो मुमकिन होगा, और इसलिए उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपना काम जो करना था वो सब किया और हम लोगों के पक्ष में मतदान किया।